Red FM presents The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt. Ise aankhein band karke dekho. Only on Red FM. सोशल मीडिया पर अपना जादू दिखा देने के बाद समीर ने ये तो साबित कर दिया था कि लड़कियों के दिल तक जाने वाला हर रास्ता वो जानता था। अगले दिन अनामिका साउथ दिल्ली के ही एक कैफे में बैठी आसपास के माहौल को देख रही थी। लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी जगह आ गई थी जहां का लेना देना उससे था ही नहीं कि तभी उसकी नजर कैफे से बाहर गई जहां अभी अभी एक गाड़ी आकर रुकी थी। और जैसे ही समीर ने अपना कदम उस कार से बाहर रखा, उस कैफे में बैठी हुई हर लड़की की नजर उस पर थी, जैसे अपनी एंट्री का बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद अपने साथ लेकर चल रहा था। माहौल में गर्मी बढ़ रही थी, ये बात अनामिका को साफ समझ में आ रही थी। समीर अपना काला चश्मा उतारते हुए कैफे के अंदर आया और अनामिका के सामने आकर बैठ गया। उसने सबसे पहले वेटर को आवाज लगाई। वेटर के आते ही उसने कहा, 2 cappuccinos please। इतना बोलकर उसने अनामिका की ओर देखा और एक जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, आई होप मैंने ज्यादा वेट नहीं करवाया तुम्हें। इस पर अनामिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बस मैं आधे घंटे पहले ही आई। इस पर समीर ने बस हामी में सर हिला दिया। ये बात साफ थी कि समीर का अनामिका के साथ जरा भी मन नहीं लग रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि काव्या की तरफ से उसे एक SMS आया था जिस पर लिखा था, मौका वेस्ट मत करना, ये काम बहुत जरूरी है मेरे लिए, प्लीज। ये देखकर समीर को समझ आ गया था कि कैसे भी करके उसे इस मीटिंग को अनामिका के लिए यादगार तो बनानी ही थी। यही सोचते हुए उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम खूबसूरत पहले से ही थी या कोई कोर्स वोर्स किया तुमने? ये सुनकर अनामिका का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, है ना, मेरी माँ से भी सभी लोग यही सवाल पूछते हैं, पर मैं तो कभी मेकअप भी नहीं करती, आदत ही नहीं है ना, देखो मैंने तो वैक्स भी नहीं करवाया आज तक। इतना कहते हुए अनामिका ने अपनी आस्तीन ऊंची कर दी, जिसे देखकर समीर को खांसी आ गई। वो कुछ कह पाता उसके पहले ही अनामिका ने कहा, तुम तो इतने स्टाइलिश हो, सब लोग पसंद भी करते हैं तुम, तो तुम मेरे जैसी मामूली लड़की के साथ कॉफी पीने क्यों आए? ये सुनकर समीर ने मनी मन में कहा, मेरी किस्मत खराब थी ना, इसलिए आया। ये सुनकर अनामिका ने कहा, कुछ कहा आपने? समीर ने कहा, नहीं नहीं मैं तो बस यही कह रहा था कि सिंपल चीजें ही तो मुझे पसंद है, और मुझे वैसे भी इन मॉडर्न लड़कियों में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट है सच पूछो तो। अपनी तारीफ सुनकर तो जैसे अनामिका पागल ही हो गई। एक चुप रहने वाली लड़की अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अपनी कहानी सुनाने लगी। वो बचपन में कैसी थी, कहाँ रहती थी, उसकी बिल्ली का क्या नाम था, बिल्ली के बच्चे कितने थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब समीर के दिमाग में बम फोड़ने लगी थी और आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और कान से लगाते हुए कहा, क्या, ओह माय गॉड, कब, कैसे हुआ, मैं बस आ रहा हूँ। उसके चेहरे के भाव देखकर अनामिका की जबान रुक गई थी। जिसे देखकर अनामिका ने हैरानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इस पर समीर अपनी जगह से उठा और जल्दबाजी में अपना चश्मा और गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, यार मेरी सबसे खास गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, उसे
अभी हॉस्पिटल लेकर गए, मुझे जाना होगा। यह सुनकर अनामिका बात का कुछ मतलब निकाल पाती उसके पहले ही समीर वहां से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर छूमंतर हो गया। वहीं अनामिका ने कुछ सोचते हुए आसपास देखा तो सभी लोग उसकी तरफ मुंह छुपाते हुए हंस रहे थे। अनामिका को आखिरकार समझ में आ ही गया था कि क्यों समीर वहां से उठकर गया, और समझ में आ जाना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि तब ये भी समझ आ जाता है कि आपके साथ क्या मजाक हुआ है। वहीं इस वक्त कार में बैठे हुए ही समीर के चेहरे पर राहत छाने लगी थी कि तभी उसका फोन बजा। देखा तो फोन काव्या का ही था। उसने फोन उठाते ही कहा, यार कहाँ फंसा दिया था तूने मुझे यार, आई स्वेयर। वो लड़की नहीं, टीवी सीरियल है यार, कोई खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर काव्या की भी हंसी छूट गई। उसने हंसी को रोकते हुए कहा, अरे यार बुरा मत मान, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसको एक बार अपने जाल में फंसा ले, फिर ऐसा दिल तोड़ना कि हमेशा के लिए ये टीवी सीरियल बंद ही हो जाए। ये सुनकर समीर कुछ देर के लिए तो खामोश ही रहा, क्योंकि काव्या की आवाज में जो गुस्सा था वो ना सुनाई देने के बावजूद भी समीर को फील हो रहा था। समीर ने बात पलटते हुए कहा, यार मुझसे ना ये सब नहीं हो पाएगा, आई नीड अ ड्रिंक, आज मेरे दोस्त के घर पे एक पार्टी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर काव्या कुछ कह पाती उसके पहले ही समीर ने फोन काट दिया। यहाँ काव्या के मन में बस एक ही द्वंद चल रहा था कि वो कैसे अनामिका को सबक सिखाएगी, मगर बदले की आग उसके अंदर इस कदर चल रही थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार रात भी हुई। समीर इस वक्त अपने दोस्त के बंगले में स्विमिंग पूल में पैर डाले बैठा था, हाथ में ड्रिंक लिए और आसपास उसके सारे दोस्त थे कि तभी उसके दोस्त मैडी ने हंसते हुए कहा, अबे मैंने सुना है तू आज किसी आइटम के पास गया था, क्या हुआ फिर, जंग हुई कि नहीं? इस पर समीर ने हंसते हुए कहा, काएगी जंग यार, जंग तो मेरे दिमाग में लग गया था उस लड़की की बातों को सुनकर, उफ अबे उसने मुझे ये तक बता दिया कि उससे बच्चे कितने चाहिए, अब बोल। ये सुनकर उसके सारे दोस्त बुरी तरह से हंसने लगे। तभी समीर ने कहा, अब तो कहीं ऐसा हाथ मारना है इसे देखकर सचमुच चैलेंज महसूस होया। ये सुनकर मैडी को अचानक कुछ याद आया, उसने कहा, वाह मेरे मजनू क्या किस्मत लेकर आया है, देख देख नई लैला। इतना बोलकर मैडी ने अपने फोन में एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये देख अपने कॉलेज के नए प्रिंसिपल की बेटी है, न्यूयॉर्क से आई है भैया। ये सुनकर समीर ने बिना मन के एक बार उस तस्वीर को देखा और बस उसकी आंखें वहीं रह गई। तारा शर्मा बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, और उन्हीं आंखों में समीर हो गया। तभी किसी के हाथ कंधे पर आने से उसका ध्यान टूट गया। यह हाथ मैडी का ही था। उसने समीर को चिढ़ाते हुए कहा, क्या भाई तू तो हो गया क्लीन बोर्ड है। ये सुनकर बाकी सारे दोस्त हंसने लगे। तभी समीर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मैं चेक कर रहा था कि मेरे स्टैंडर्ड की है भी या नहीं। इस पर मैडी ने कहा, वो हो ना हो बॉस, तू उसके स्टैंडर्ड का है या नहीं पहले वो चेक कर ले, मैडम को सच्चे प्यार में विश्वास है, और तेरी डिक्शनरी में तो प्यार नाम का वर्ड ही नहीं है भैया। इस पर समीर ने विस्की का एक घूंट लेते हुए कहा, ये सब बकवास है यार, प्यार व्यार
मैंने ऐसे कई दरवाजे खोले हैं जिन पर ऐसे ही प्यार के ताले लगे हुए थे दोस्त, मगर फिलहाल मेरा मूड नहीं है। सोच कर बताऊंगा कि क्या करना है। ये सुनकर मैडी ने कहा, वाह यार तेरा भी सही है। खैर चल छोट पार्टी एंजॉय करते हैं। इस पर समीर ने कहा, नहीं यार मुझे निकलना है, सुबह उस काव्या से भी मिलने जाना है। इतना बोलकर समीर उठा और वहां से बाहर निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता हुआ समीर सिगरेट के कश ले रहा था, जो तेज उसे तारा शर्मा के चेहरे पर दिखा था। वो चेहरा, वो एटीट्यूड, बस उसे सोने नहीं दे रहा था। कुछ तो था जो समीर के मन में चल रहा था। अगले दिन समीर काव्या के घर पर उसके सामने बैठा था और काव्या के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, तारा, तारा शर्मा, मैं जानती हूं उसे, अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई है यहाँ। बाप डीन है हमारे कॉलेज का, और तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है इसे लेकर? इस पर समीर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मैंने तो मन बना लिया है काव्या, इस लड़की को सच्चा प्यार चाहिए ना, मैं दूंगा इसे वो प्यार। ऐसी लड़कियों को चैलेंज की तरह लेता हूं मैं। ये सुनकर काव्या के मन में कुछ घटा और उसने कहा, लगी शर्त, तू इसे पटा ही नहीं पाएगा। ये सुनकर जैसे समीर के मन को गहरी ठेस लग गई। उसने कहा, ठीक है, लगी शर्त। काव्या ने कहा, ठीक है, अगर मैं जीत गई तो तेरी गाड़ी मेरी, बोल है हिम्मत। यह सुनकर समीर कुछ देर के लिए खामोश ही हो गया और फिर तपाक से बोला, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तू मुझे ग्रीस का एक हॉलिडे गिफ्ट देगी। इस पर काव्या ने कहा, ठीक है डन, बस ये काम तुझे कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो उसके पहले करना होगा। इस पर समीर ने कहा, काफी टाइम है यार, उसके पहले ही हो जाएगा। अब खेल शुरू हो गया था, मगर ये किस मोड़ पर जाकर खत्म होने वाला था इस बात का इन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह अपनी पूरी तैयारी के साथ समीर बाहर निकला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी निकलता है शिकार के लिए। उसे पता था कि तारा इस वक्त अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में ग्रुप स्टडी के लिए जाने वाली थी। अपनी रईसी और एटीट्यूड की चादर उड़कर समीर सीधा उस कैफे में जा पहुंचा। गाड़ी आकर कैफे के सामने रुकी ही थी कि तभी उसने देखा तारा, जो भीड़ में होने के बाद भी भीड़ से जुदा थी, जो सचमुच की एक तारा ही थी, दूर से चमकने वाली। अगर समीर उसकी खूबसूरती नहीं, उस गुरूर को तोड़ने आया था जो समीर के गुरूर से बिल्कुल उल्टा था। तारा अपने दोस्तों के साथ बैठी कुछ डिस्कशन कर रही थी कि तभी उसने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो सामने समीर टंडन खड़ा था। बाकी की लड़कियां तो समीर को ऐसे देख रही थी जैसे कोई फिल्म स्टार उनके सामने आ गया हो, मगर वहीं तारा ने अपनी नजरें नीचे झुकाई और अपना काम करने लगी और बाकियों को देखकर बोली, अरे अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसे सॉल्व करो, फिर जहां देखना है वहां देख लेना, ओके? ये बात समीर के दिल पर किसी चाकू की तरह गिरी। उसने कहा, तारा शर्मा, हमारे कॉलेज फकीर चंद यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल की बेटी न्यूयॉर्क में आर्ट्स पढ़ रही थी, सो वेलकम टू न्यू दिल्ली। ये कहते हुए समीर ने अपना हाथ तारा की तरफ बढ़ा दिया और कहा, एंड आई एम समीर,
समीर अपना पूरा नाम बता सकता था उसके पहले ही तारा ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, तुम समीर टंडन हो, राजेश टंडन के बेटे, मिलियनेयर। ये सुनकर समीर मुस्कुराया ही था कि तभी बात को आगे बढ़ाते हुए तारा ने कहा, बट रिश्तों में बड़े कमजोर हो यार, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, तुम लड़कियों के दिलों के साथ खेलते हो और खेलोगे भी, अमीर बाप के बिगड़े बेटे जो हो, सब सुना है मैंने कैसे ट्रीट करते हो तुम लड़कियों को, लेकिन ये सब मेरे सामने करने की कोशिश भी मत करना, स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं तुम्हारे रेपुटेशन को जानती जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है। ये सुनकर समीर को ऐसा झटका लगा जैसे कड़कती हुई बिजली उसके शरीर में उतर गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसके सामने इस तरह से बात करेगी। वो कुछ कह पाता उसके पहले ही तारा अपने काम में वापस जुट गई, समीर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ये बात समीर हजम नहीं कर पा रहा था। वहां बैठा हर इंसान समीर को देख रहा था। समीर का गुस्सा आसमान पर था और अब तारा जैसी टेढ़ी लड़की को सीधा करना उसका मकसद बन गया। मगर अक्सर ऐसे मकसद अंधेरी खाली गलियों से होकर निकलते हैं और समीर भी कुछ उसी तरफ बढ़ रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।